भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। तुम्हारी औकात दो कौड़ी की है। तुम भाजपा के इशारों पर नाचने वाले, ठुमका लगाने वाले नचनिए बजनिए हो। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। पगला बागेश्वर ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, देश की कन्याओं को, विधवा महिलाओं को खाली प्लॉट कहा। यह साधु नहीं है, ये गुंडा है, मवाली है, ये भाजपा का एजेंट है। अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और उन पर थूकेगा इंडिया। धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार। भाजपा वाशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। मोदी फिविया की बीमारी है। अरे भैया, संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि देश में तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। पंकज जी, जो बागेश्वर बाबा भी लंदन में है और कोहिनूर वापस लाने की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हिंदू धर्म में ऐसे साधु संतों का कोई स्थान नहीं है जो महिलाओं का अपमान करे, जो देश के सनातन हिंदू धर्म के लोगों का अपमान करे। उस पागल को आपने सुना होगा, पगला है वो, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये धर्म के नाम का धंधा करता है, अपने जिस प्रवचन के लिए लाखों रुपये का फीस लेता है उसमें क्या कहता है, धन दौलत मोह माया सब बेकार की चीज़ें हैं। अबे पगले, तो तुम जो फीस लेते हो किस लिए लेते हो? झकमराने के लिए लेते हो। और फिर देश में कुमारी कन्याएं, जिसे हम माँ दुर्गा का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म में जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो जिस तरीके से ये ढोंगी पगला बागेश्वर ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, देश में कुमारी कन्याएं, विधवा महिलाएं न मांग में सिंदूर भरती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं, जिस तरीके से देश की कन्याओं को, विधवा महिलाओं को खाली प्लॉट कहा, ये साधु नहीं है, ये गुंडा है, मवाली है, ये भाजपा का एजेंट है। दूसरी बात, इन्होंने पालतू और फालतू की बात की। जो लोग कंठमाला नहीं पहनते वो फालतू कुत्ते की तरह है, और जो लोग माला पहनते हैं वो पालतू कुत्ते की तरह हैं। कुत्ता होगा तेरा बाप, कुत्ता होगा तू। देश के सनातनी हिंदुओं को गाली देना बंद करो। तुम्हारी औकात दो कौड़ी की है। तुम भाजपा के इशारों पर नाचने वाले, ठुमका लगाने वाले नचनिए बजनिए हो। अगर असाधु होते तो तुम धन दौलत की बातें नहीं करते। हरियाणा में मस्जिद जला दी गई है, तुम लोगों के पास कोई खबर नहीं है। ये लाखों की संख्या में हिंदू आए हुए हैं, ये हिंदू समाज के लड़के हैं। अरे भाई सुन लो, तुम मीडिया वाले और भाजपा आरएसएस वाले हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश में राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो हिंदू बच्चा, अरे भाई सुनना रहा, इसके जीवन का कौन मदद गारंटी लेगा? ये हिंदू युवा हैं जिन्हें प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों मित्रों, इनको विकलांग मत बोलो, इनको दिव्यांग बोलो। उन दिव्यांग भाई चल रहा है सर, तुम आवारा कुत्ते की तरह क्यों भोग रहे हो भैया देश में? अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। तुम्हें जब देश में युवा रोजगार के लिए आए हैं, तब मणिपुर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में दरोगा को मारा पीटा गया, कल गाजियाबाद में भाजपा के पार्षद ने दिल्ली यूपी पुलिस वालों को मारा, गोरखपुर में पुलिस वालों की पिटाई होती है, तुम वो खबर ना दिखाते? तुम कौन सी खबर दिखाते हो जिससे भाजपा के प्रति वोटों का समीकरण हो? मोदी योगी को वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग
भाजपा के साथ जुड़े रहें। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, आप बात कीजिए। कितने बेशरम हो, कितने पैसे मिले हैं भाजपा कार्यालय से, क्यों देश दला रहे हो? हरियाणा की बात करो ना कि इमामों को मानदेय भत्ता बीजेपी दे रही है, बात करो ना बीफ एक्सपोर्ट में बीजेपी का राज है। जो बीजेपी वाले ये कहते थे कि आपका, मोदी जी कहते थे आपका खून खून नहीं खोलता, कि एक लोग ऐसे हैं जो गायों की हत्या करते हैं। अरे मोदी जी, आपकी सरकार में उन्हीं गायों की मीट को बेचा जा रहा है और आप नंबर वन का तगमा लिए हुए हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हरियाणा की करेंगे, अरे यार मलिक ने कहा है कि सत्ता में रहने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। अरे भाई सुनो, यहाँ देश के हर घरों पर हमला हो रहा है। आपको पता है कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, देश के युवा पढ़ाई लिखाई ना कर सके इसके लिए हॉस्टल और पीजी पर 12% जीएसटी लगा दिया गया। आप बात उसकी नहीं करते। देश के वैज्ञानिक रिसर्च ना करें, भारत को विश्वगुरु ना बना पाए इसके लिए उनके अनुसंधान में करने के जो बजट है उसमें 6.8% की कटौती कर दी गई। शिक्षा के बजट में कटौती कर दी गई कि पढ़ेगा इंडिया तो मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा इंडिया और उन पर थूकेगा इंडिया, इसीलिए बजट फिर बात जला दी गई हरियाणा में। यार तुम भी वही वाली बात कह रहे हो, तुमने जलाई, किसने जलाई? जल रहा है डबल इंजन। अरे बेशर्मो, तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नहीं पूछ रहे। अरे बेशर्मो, वहाँ पूछने में छठी रात का दूध याद आता है। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप ऐसे पत्रकार हो जो पूरे देश में एक साथ बम विस्फोट करा देते हो। अरे भाई, अरे सुन लो, चुनाव की तैयारी भार में जाए, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है, इनको एक ही शब्द मालूम है। तुमने मनोहर लाल खट्टर से सवाल क्यों ना पूछा, तुमने अमित शाह से सवाल क्यों ना पूछा, तुमने नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों ना पूछा, बस एक ही काम है। भैया अगर सुनो, अरे भाई अरे सुन तो लो यार, अरे भैया हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, हमारे बाप दादाओं ने अगर डरा होता, हम कोई सावरकर की औलाद नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम खुदीराम बोस के वंशज हैं। गोली खाना, फांसी के फंदों पर झूलना, जेल जाना, ये तो विरासत में मिला है, इसलिए इस बात को चर्चा ना करो। एक सिपाही ने कहा देश में रहना है तो मोदी योगी करना पड़ेगा। अरे भैया, तो भाजपा और एसएस के नेताओं ने बाप में दहेज में लेके आया था देश, जब हमारे आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, देश को आजाद कराया है, घर वाली के घर नहीं भतरोया वाली के घर है, जब हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश हमारा है, हम ना तय करेंगे कि आपको हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार, देश हमारा है। मणिपुर में विपक्षी नेता जब जाते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि हनीमून मनाने जा रहे हैं वो लोग। देखिए एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश लुटेरों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, देश के गरीब जनता को लूटने वालों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, भाजपा वाशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, जितने देश में कुकर्म हैं सारे कुकर्मी भाजपा में गए नहीं कि वह राजा हरिश्चंद्र के छठी औलाद हुए नहीं, दाग अच्छे हैं क्या? पहले इस्तेमाल कीजिए, माने भाजपा में ज्वाइन कीजिए, आप फिर विश्वास कीजिए, आपके सारे आरोप सारे सजा माफ हैं। पंकज जी क्या कहेंगे, 2014 में मोदी जी ने कहा था हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जो अभी क्या लगता है 2024 में ये मुद्दा होगा? देखिए अभी 2019 की वैकेंसी के बच्चे हैं, है ना, हजारों की संख्या में, 4 साल बाद एग्जाम निकालते हैं। देश में जितनी योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, विज्ञापन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, और 5 साल बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। मोदी जी कह रहे सब खुश है, अंधे हो, मोदी फिविया की बीमारी है।
अरे भैया एगोता रतौधी एगोता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है, मोदी जी कहते हैं मालवा ले लो आएगा मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले, आओ ना पूछो इनसे, अरे पूछो ना रोजगार मिला। अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गरक है। ये सारे रेलवे के अभ्यर्थी हैं, इन... मंदिर से खुश है, कहाँ खुश है भाई, इनको मारो थप्पर, बोलो ये थप्पर से खुश हैं, दो थप्पर मारो ऐसे पत्रकारों को। आप चाहते हो श्रीलंका वाली दवाई आपकी भी हो, लाद जूता और कुटाई से हो, तब मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। अरे यार सवाल पूछो कि जिस मोदी जी ने कहा उनके मंत्री ने मोदी जी के झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया, क्या मोदी जी अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे थे, IIT बन रहा, IIM बन रहा, अब मोदी जी की मंत्री कह रहे एक भी 5 साल में नहीं बना, मतलब मोदी जी दोबारा से सब कुछ बन जाएगा। तुम मोदी जी के घर ही चले जाओ, घर पर मत बोलना कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो बीबी मारेगी तुम्हारे को, तुम्हारे जैसा एक अनुबंध था, बहुत पिटाई खाया। मोदी जो है गारंटी दे रहे कि तीसरी सरकार में भारत को वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे। जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं आप, कितने साल से पत्रकार हैं, एक बात पूछ रहे हैं, एक मिनट सुनो, मोदी जी ने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार की गारंटी, मतलब मोदी, मतलब अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बनो, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचारी वित्त मंत्री बने, भ्रष्टाचारी मंत्री बने, गारंटी पसंद कर रही है तब बनते हैं मुख्यमंत्री। अच्छा ये लोग जनता ना है, ये पाकिस्तान से आए, इनका क्या मुद्दा, अरे आपने कहा, अरे भाई अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनो ए मुँह का बाबा सिर है, सुन तो लो, मैं सुनते नहीं, बाबा सिर है बके जा रहे भैं भैं, मुद्दा क्या है, मुद्दा बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए आए, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे, दिला दो, जाओ का पापा दी दे दो इनको, सबको चेक कर लेना सारे हिंदू हैं, बेवकूफ है। सर मैं कह रही हूँ जनता पसंद कर रही है तभी तो केंद्र से लेके राज्य तक सरकार। अच्छा इन लोगों को पाकिस्तान भेज दें, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या करें, ये हिंदुस्तान के ना है, अरे बोल लो कुछ काबिल नहीं है ये, उन्होंने बोला कितना, अरे भाई रोटी खाते हो, अरे सुनो आप लोग रोटी खाते हो कि गोबर को चुमन पास समझ के खाते हो, कितने परसेंट लोगों ने मोदी को वोट दिया और कितने परसेंट लोगों ने विरोध किया, बता दो परसेंटेज, कहाँ आकर कहाँ से पढ़ के आया, न्यूज में देखे, दिखा दो कौन से न्यूज में, अरे कौन से न्यूज, अरे भाई बनाना वो तिहारी वाला न्यूज देखे कि ड्रग दो वाला न्यूज देखे, जब कंटेनर भर भर के ड्रग लाया था अडानी तो लिया नहीं, क्या झूठ फैलाते हो यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखे थे पंकज जी को बता, पंकज जी माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप, जो ट्रेन देखे, भारत की सभ्यता और संस्कृति 84 लाख योनियों के भरण पोषण की रही है, जहां कीड़े मकोड़े, पेड़, जानवर, पक्षी, कुत्ता, गाय, सांप, यहां तक कि सांप तक को दूध पिलाने की परंपरा रही है, वैसे में इंसानों के साथ हमला, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक है, तो इसमें इंसानों से नफरत की कोई जगह नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं। मीडिया का कहना मानसिक तौर पे बंदा सही नहीं था, उसको कैसे देखते हैं, कौन नहीं था, गोदी मीडिया बचा रही है, कह रही मोदी जी नहीं ट्रेन जिसने RPF के जवान जिस सैनिक ने गोली मारी है, मीडिया कह रही है वो मानसिक संतुलन, यही मीडिया, अगर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता तो क्या कहती कि पाकिस्तानी कनेक्शन, ISI का एजेंट, अरे भैया कुछ भी, वही तो मीडिया है कि जो खबरें आपको दिखाना चाहिए देश हित में, आप उन खबरों को ना दिखाकर हर बात में धर्म का एंगल ले आते हैं, तो आप ये सब छोड़ दीजिए, आप शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर, उस पर बात कीजिए। पंकज जी मेवात चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जा रही है इस बार, है तीसरे नंबर पे, पांचवे से तीसरे पे जंप करेगी। अरे दो बार से क्या मुजरा गा रहे थे मोदी जी, कि ठुमका लगा रहे थे, अरे भाई तब पहला बार में पहला पर पहुंचा देते, क्यों नहीं पहुंचाया, फिर देश को क्यों लूटा, देश की संपत्तियां बेची क्यों, सब कुछ राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य पर चल रहा है, पहले की सरकारों से ज्यादा 225% किराया बढ़ा दिए गए, तो ये सरकार पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ है, बैंकों के बैंक कैसे डूब गए, अभी आपने देखा
आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम पर 6 लाख फर्जी कंपनियां बन गई, जीएसटी रिटर्न ले लिया कई लाख। देखिएगा हर डिपार्टमेंट में घोटाला है, सड़क में घोटाला है। नितिन गडकरी बोल बता दें कि जितने हाईवे बने हुए हैं 5 तरह के तारकोल लगने हैं, 3 तरह के जो महंगे तारकोल हैं बेच लिए जाते हैं। अस्पतालों में घोटाला है, दवाई की आपूर्ति नहीं है। तो इसमें सारे आप देखिएगा ओवरऑल, तो भाजपा आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों का नीति था फूट डालो राज करो, इनका कहना फूट डालो राज करो, देश को लूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो, बगैर सजा के छूट डालो। तो आपने सुना पंकज श्रीवास्तव को, जिसने तमाम मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने का काम किया, साफ तौर पर बताया कि बात करना है तो बेरोजगारी, शिक्षा और विकास की बात की जाए, धर्म की राजनीति छोड़कर बोलने का काम किया जाए। बाकी तमाम मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी ग्रीत जनहित आवाज़।